गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 37 है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉर्डीज फॉन के बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ जॉर्डीज फॉन कॉन्टिन्यू। अब यहाँ कहते हैं इफ़ यू फाइंड एन एनिमल विच इज़ स्केयर्ड एंड हंगरी व्हाट वुड यू वॉन्ट टू डू। अब बोलते हैं अगर आपने कभी किसी ऐसे एनिमल को देखा जो डरा हुआ है और भूखा भी है तो आप उसके साथ क्या करोगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करेंगे उसके साथ। तो यहाँ से लिखेंगे वी विल फीड हिम विद लव, है ना। हम उसे क्या करेंगे, खाना खिलाएंगे और वो भी प्यार के साथ, है ना। अगर हम उसे डांटेंगे या इस तरह से कुछ करेंगे तो वो भाग सकता है, डर सकता है ना, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। लेसन के इस पैसेज को पढ़िए। क्या लिखा है, आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव मी दैट सर्टेन, यानी वो पुअर हिरन का बच्चा, वो बेचारा गरीब हिरन जिसने मुझे बचाया। पा द फॉन मे बी आउट देयर येट, पा मुझे ऐसा लगता है, जॉर्डी कह रहा है अभी ये कि पापा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी वहीं होगा। इट माई बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, और वो भूखा भी होगा और डरा हुआ भी होगा। आई सपोज सो, मुझे ऐसा लग रहा है। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ, आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, पापा मैं बड़ा बच्चा हो चुका हूँ और मुझे दूध पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड दैम फॉन, कहते हैं पापा इसलिए मुझे आप जाने दें ताकि मैं उसे ढूंढूं और अगर वो शायद मुझे मिल जाए। आई ब्रिंग इट हियर, मुझे पता है वो वहीं होगा। एंड ड्राइज इट, वो अभी वहीं टहल रहा होगा, ढूंढ रहा होगा, है ना। पैनी ले क्वाइट, पैनी जो है, जो उसके पापा है, वो चुप रहे। स्टार्टिंग एट द सीइंग, वो सीलिंग को देख रहे हैं। बॉय यू विल गॉट मी हार्म, यानी तुमने अब मुझे जो है मतलब इसके लिए एक तरह से मुतवज कर दिया है, मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। इट वॉन्ट टेक मच टू राइज इट, पा आई विल सून स्टार्ट ईटिंग, क्या बोलते हैं, पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन्स। तो कहते हैं पा अगर मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी चिंता मत करें। और वो भी बेचारा क्या कर रहा होगा, अगर लगेगा तो वो क्या खाएगा, लीव्स खाएगा और एक्रॉन्स खाएगा। तो पा क्या बोलते हैं, यू आर स्मार्टर दैन बॉयज ऑफ योर एज, तुम अपनी उम्र के जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो। अब यहाँ लिखा है नाउ कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग हिट गिवन ब्रैकेट, अब आपको ये सेंटेंसेस पूरे करने हैं। नेम द जॉर्डीज फादर इज, जॉर्डी के पापा का क्या नाम है, पैनी, ठीक है। डैश लिखा है माइट बी हंग्री एंड स्केयर्ड, कौन, फॉन, है ना, कौन भूखा और डरा हुआ होगा, फॉन। द पुअर डो सेव, तो किसे बचाया था, पैनी को बचाया था, है ना। वॉन्ट टू गो फाइंड एंड फाइंड द फोन, किसने कहा था, ये जॉर्डी ने कहा था कि मैं जाना चाहता हूँ और उसको बचाना चाहता हूँ, उसको खोजना चाहता हूँ। विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अक्रॉन्स, कौन खाना शुरू कर देगा, डो, है ना, सॉरी डो कह रही हूँ, फोन, डो तो मर गया, फोन, ठीक है। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ले क्वाइट स्टार्टिंग एट द सीलिंग, तो कौन था जो मतलब चुप रहा, तो थे पैनी, है ना। यहाँ लिखा है जॉर्डी वॉन्ट टू ब्रिंग द फॉन होम बिकॉज, क्योंकि वो उसे अपने लाना चाह रहा था, बिकॉज विदाउट इट मदर, क्योंकि वो उसके साथ उसकी मम्मा नहीं है, है ना, इसीलिए वो चाह रहे हैं। द फॉन वॉज लाइकली टू स्ट्रव इन द फॉरेस्ट, है ना, वहाँ अकेला होगा। हिम्ड इन मीन कैच इन अ सिचुएशन वेयर वन कांट से, तो आप लिख दीजिए यस। यहाँ लिखा हुआ अक्रॉन मीन स्मॉल ब्राउन, तो क्या हो जाएगा, नट्स, छोटे छोटे फल होते हैं ये, है ना। तो अब यहाँ लिखा हुआ है पैनी फील्ड हेम्ड इन व्हेन जॉर्डी प्रपोज्ड, तो क्या आ जाएगा, उसने क्या प्रपोज किया कि भाई वो उसे छोड़ के जा रहा है फॉर्म के पास, है ना, वो उसके पास जाना चाहते हैं, ठीक। तो कर लेंगे, चाहे तो अच्छी वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं आज की वीडियो में, बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।